यूजीस, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या चाल है आप सभी लोगों के, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। पहले तो मैं माजत करना चाहता हूँ, सॉरी हो गया आप सभी लोगों से, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी कि व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। आज जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि आप देखोगे एक दो दिन बाद ही देखोगे, समझे, मैं आज वो करूँगा। आज है 30 मतलब 11 मुहर्रम और 7 मुहर्रम का वो व्लॉग है, 7 मुहर्रम का वो व्लॉग है, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है कोई 9:21, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 मुहर्रम से जो है सिग्नल्स वगैरह है ही नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहा। PTCL का तुम लोगों को पता है यहाँ पे क्या चलती है भाई, 15-20 MB लगी हुई है, पर चलती ऐसी है कोई आधा MB। ओए ओए चुप करो, ओए शोर नहीं करो, घर से मैं भाग के, वो रहा मेरा घर, वहां से मैं भाग के यहाँ पे वीडियो बनाने के, ऊपर से ये शोर कर रहे हैं। मेरे घर सफाई का काम करते हैं ना, इतना शोर करते हैं भाई, इतना शोर करते हैं क्या बताऊं। तो नेटवर्क था नहीं, उस वजह से वीडियो वगैरह अपलोड नहीं हो पाया। अभी आया हूँ कजन के घर, मैंने कहा इंट्रो कर लूँ शूट, सामने रहा मेरा घर, तो चलते हैं जाके होते हैं फ्रेश। फिर जाना है मुझे शक्कर, शक्कर क्यों जाना है, वहाँ पे जाना है मुझे LED बल्ब जो होते हैं ना मेरे, उसकी जो बॉक्स जो है होते हैं पैकिंग जो होती है वो करवानी है मुझे प्रिंट, जाके देके आते हैं उसको ऑर्डर। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो फटाफट, बेल आइकन को ऑन नहीं करोगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, मैं नहीं खेल रहा, सही बता रहा हूँ, गैंग में शामिल हो जाओ, जल्दी आ जाओ। पहले फटाफट चलो जाके होते हैं फ्रेश, फिर चलते हैं सीधा शक्कर। वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। और ये रहा भाई सूट जो पहन के जाना है, ठीक है। और बाकी ये देख जो तुम लोग, मेरी शर्ट वर्ट जो फटी हुई है, बाकी सैलरी वैलरी मिले तो ये शर्ट्स वगैरह और चटी शर्ट्स वगैरह लेने। ये देखो, कोई शर्म नहीं है, फिर भी हम पहनते हैं, दिखाते हैं लोगों को, कोई मसला नहीं है। लोगों को लगता है ये गरीब है, फिर क्या है, फिर कोई उधार भी नहीं मिलता, मस्त प्लान है, ये तरीका है। तो बस ये शलवार पड़ी है, ये पड़ा है भाई फेस वॉश, बाकी चलो जाके नहाते हैं भाई, निकलने का टाइम आ गया। मैंने अभी कज़न को बोला है कि भैया मुझे छोड़ के आओ घुट की, सलाम वालेकुम भाई जान, ठीक है, मज़े कैसे हैं, तभी ठीक है आप। तो मैंने इसको बोला कि चलो छोड़ के आओ मुझे घुट की, तो मैं निकल जाऊँ। लोकल पे भैया बहुत खुआरी हो जाती है, 3-3 रिक्शा चेंज करने पड़ते हैं, ये लिया है सिर्फ चार्जर मैंने, चार्जर की कमी बहुत होती है। बाकी वापसी पे अनस को भी लेके आएंगे जूते मार के। पहुंच गए भाई हम, ये मॉल पता नहीं कब बनेगा, बने तो कोई यहाँ पे सिनेमा वेनेमा देखे ना, पता है ना भाई कैसी रश होती है ट्रेन में, बैठने की सही सी जगह नहीं थी, पता नहीं कैसे बैठा हुआ था मैं रोड़ी में, जब गाड़ी जाके खाली हुई है तभी जाके सुकून से बैठा हूँ मैं, पीट रखी है मैंने, कैमरा वैमरा वगैरह जो है मोबाइल वगैरह मैं इसमें छुपा दिया था। अब सीधा चलते हैं घर, जाके हाथ मुँह धो के फिर चलते हैं काम से। हाँ तू पहले हो जा, बंद इधर, ये बाइक सीख क्या, अबे तू है किधर, तू एक महीने से, हाँ तेरी मैं टोपी फाड़ू, मैं तेरी टोपी, तू है किधर, एक महीने से तू गायब है भैया। घर तो बन गया, यहाँ पे दाल दाल जो मासी आती है ना बनाने वाली काम वाली, उन्होंने पता नहीं क्या बनाई, बीमार लोग खाते हैं। अभी चलो जाके लेते लेके आते हैं बाहर से कुछ ना कुछ, फिर आके यहाँ पे खाते हैं। ये बाइक सीख क्या, मैं ही नहीं सीखा अभी तक। यहाँ शक्कर क्रिस्टल एरिया में घर बहुत अच्छे बने हुए हैं, तू हमारे पास कब आएगी फ्लैश फाइबर। A few moments later. मैं जो है छोले लेके आया हूँ बाहर से, ठीक है, फिर आके जाकर बोला है ना घर वालों ने कि बेटा अभी तक दाल फ्राई नहीं हुई है,
ये ऐसे हमने सिर्फ उभा ली है, तो मेरे को ऐसा कौन खाएगा। मैं ले आया फिर मुझे चल सही है, डबल काम हो जाएगा, बस दाल फ्राई हो रही है, फ्राई हो जाए फिर खाना खाते यार, बहुत भूख लगी है। 3 बजने वाला है टाइम, 3 बजने वाला है, बहुत भूख लगी है। और मैंने नाश्ता भी आज नहीं किया, सुबह बस चाय बिस्किट खाया बस, सुबह से आज नाश्ता नहीं किया था। जल्दी से खाना बच जाए, खाना खाते हैं फिर चलते हैं बाहर उधर, फिर चलते हैं उस भोग वाले के पास। ये ले आए थे हम उस टाइम छोले, ये भी बनी है दाल, ये इस शक्ल में, पहले तो वरना उबली हुई, इसकी वजह से ये ऐसे बनाई है, ऐसे होगी, ऐसे ही होगी, ये ऐसे ही बनती है, उस वजह से मैं ये लेके आया। चलो ठीक है, अभी फटाफट खाना खाते हैं, उसके बाद अबू फ्रेश है, अबू पत्ते में मुझे भूख सा लगे। अरे यार, यहाँ पे जो ये क्लिप सी बहुत अच्छी क्लिप सी, पर पता नहीं क्यों इनमें रिकॉर्ड नहीं हुआ आवाज़। अब इस छोटी बच्ची ने एक चॉकलेट केक बनाया था खुद ही अपने हाथों से, तो उसको मैंने थोड़ा बहुत चिढ़ा भी रहा था कि कैसे बनाया, क्या किया है। वीडियो का पूरा व्लॉग का मेन पार्ट था ये, पर ये क्या करूँ मैं, अब ये पूरा वीडियो ख़राब हो गया मेरा। अब यहाँ पे हमने जो बातें करी थी वो सारी बातें ज़ाया हो गई। इसके बाद मैंने जो आउट्रो शूट किया है उसमें भी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब क्या करें, अब ऐसे ही आप लोगों को ये देखनी पड़ेगी। ये उसके बाद में रिकॉर्ड करी है मैंने, उसके बाद अगला व्लॉग रिकॉर्ड करा है मैंने, उसमें सही आवाज़ आ रही है, इसमें पता नहीं ये क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ। शायद मोबाइल जो है मेरा बहुत गर्म हो गया था, चार्ज पर रखा था ना मैंने, तो उस वजह से। अभी ये छोटी बच्ची ने उतारा, अभी ये चेक कर रही थी कि कच्चा है कि नहीं है, फिर मुझे खिला रही थी। पूरा मज़ा था यहाँ पे, मैंने बहुत चिढ़ाया उसको, भाई क्या करियो, कैसे करियो, ये वो है, ये वो है, वो भी बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी। तो तंग होके मुझे बातें सुना रही थी, ए क्या करें। मैंने बहुत तंग किया था, बहुत तंग किया था। अभी उसने नाइफ उठा के ये केक काट रही थी कि तो फिल भाई आप मुझे टेस्ट करके बताएं कि मैंने कैसे बनाया। ये मेरा लाइफ का पहला केक है जो मैंने बनाया है, वो भी चॉकलेट केक। अब मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगा। लुक्स वाइज देख रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी ये मुझे दे रही थी कि बोल रहे गरम गरम है, खाओ खाओ बहुत मज़ा आएगा। मैं भी बोल रहा गरम गरम है ये कैसे खाऊं, पहली बार जो है लोग गरम गरम केक खाएंगे। सच बताऊं तो छोटी बच्ची भी, वो पहली बार उसने बनाया था, मुझे डर लग रहा था खाने में कि भाई ये कैसा होगा, वो नर्वस हो रही थी कि अच्छा होगा कि नहीं होगा। बिस्मिल्लाह करके मैंने खा लिया, बहुत गर्म था, बहुत गर्म था। जैसे ही मैंने मुंह में खाया, डर भी लग रहा है मुझे, वो परेशान हो रही थी। जैसे मैंने खाया तो ये केक बिल्कुल अच्छा ही था, 10 में से 9, क्योंकि पहली बार के हिसाब से ये बहुत अच्छा बना था। अब इसने यहाँ पे मुझे जुगत मारी दी, ओके कर, डन कर, कैमरा को बंद कर। अस्सलामुअलैकुम योजी, जैसे कि आपने देखा कि वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो आउट्रो में भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैं इसलिए अभी जो है मैं यहाँ पे घर पे पहुँच गया हूँ। उसके बाद आप ब्लॉग देखोगे मैं यहाँ पे कैसे आया, तो उससे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ, सारा वीडियो हो गया ख़राब, तो आउट्रो में भी आवाज़ नहीं है, तो वो आउट्रो देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जिस काम के लिए गया था वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और वहाँ पे जो मैं गया था वहाँ पे बहुत से बहुत सारे वो कराची वालों से महंगे थे भाई, सखर वाले, ये आम सखर वाले भी कराची वालों से महंगे थे। तो यहाँ पे मैंने जो कराची वाला था बंदा, एक मैंने कराची वाला बंदा ढूंढा, उसको मैंने ऑर्डर दे दिया डब्बों वब्बों का, अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर भी दे दिया है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह जो खैर खैरियत से मेरा डब्बे का जो डिज़ाइन है वो भी बन गया है, और डब्बे का मैंने ऑर्डर भी दे दिया है। एक दो दिनों में, 2-3 दिनों में इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा हमारे घर तक। तो उस वीडियो में जो सारी बातें थी, मैंने 1-2 मिनट उसमें बातें करी थी, अब वो बातें मुझे याद नहीं है, कसम खुदा से, सॉरी बॉस। अस्सलाम वालेकुम, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, मिलते हैं अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, पीस। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।